दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ दी बिस्ट ड्रैगन को। इस फिल्म को IMDb पर रेटिंग मिली है 7.2 out of 10। कहानी की शुरुआत में हम स्वर्ग के दरवाजे पर एक आदमी को देखते हैं जो अंदर जाने के लिए कह रहा होता है, लेकिन गॉड उसे अंदर नहीं जाने देते। वो उसे एक बिस्ट ड्रैगन बनाकर के टी पॉट में कैद कर देते हैं। इसके बाद हम एक स्कूल को देखते हैं जहाँ पर टीचर बच्चों को पढ़ा रही होती है, लेकिन डिन नाम का एक लड़का पढ़ाई को छोड़ कर के ड्रैगन को ड्रॉ कर रहा होता है, जिससे उसकी क्लास टीचर उसे क्लास से बाहर निकाल देती है। तभी डिन के पास एक लड़की आती है, उसे भी क्लास से बाहर निकाल दिया होता है और उसका नाम लीना होता है। अब स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सभी बच्चों के पेरेंट्स उन्हें लेने के लिए आते हैं, लेकिन डिन की मदर उसे लेने नहीं आती है क्योंकि डिन के फादर की मौत के बाद वो हमेशा काम में बिजी रहती है। तभी डिन के पास लीना आती है। वो डिन से कहती है कि उसके फादर हमेशा लेट आते हैं, क्यों ना हम दोनों एक साथ चलें। इसके बाद दोनों साथ में घर चले जाते हैं। जल्दी दोनों की अच्छी दोस्ती हो जाती है क्योंकि डिन और लीना एक ही चौल में रहते हैं। अब दोनों एक साथ खेलते हैं और एक साथ में ही खाते हैं, वो हमेशा एक साथ ही रहते हैं। वो एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो हमेशा एक साथ ही रहेंगे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद लीना के डैड बैंग उसे लेकर के शहर जाने लगते हैं क्योंकि वो लीना को एक अच्छा भविष्य देना चाहते हैं। लीना के जाने के बाद डिन उदास हो जाता है। अब धीरे धीरे समय बीतता है और डिन काफी बड़ा हो गया होता है। वो पार्ट टाइम रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय का काम करता है। तभी डिन अपने कॉलेज फ्रेंड से मिलता है जो कॉलेज जा रहा होता है। डिन उससे कहता है कि वो उसके लिए कॉलेज से असाइनमेंट लेकर के आ जाए। उसका फ्रेंड कहता है कि तुम 2 हफ्तों से कॉलेज नहीं गए हो, जिस पर डिन कहता है कि उसे अभी पैसों की जरूरत है क्योंकि कल लीना का बर्थडे है और वो उसे कुछ गिफ्ट देना चाहता है। अब डिन अपना आखिरी पार्सल देने के लिए एक जगह पर जाता है जहाँ पर हम उसी गॉड को देखते हैं जिसने आदमी को विश ड्रैगन बनाया था। वो डिन को सूप के बदले टीपॉट देता है क्योंकि डिन का दिल बहुत ही साफ होता है। वो डिन से कहता है कि इस टीपॉट से तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। डिन उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है। तभी डिन देखता है कि 5 बज चुके होते हैं और स्कूल की छुट्टी का टाइम हो गया होता है। वो घर जाने के लिए लेट हो रहा होता है। वो पॉट को लेकर के वहां से निकल जाता है। इसके बाद डिन जब घर पहुंचता है तो उसकी माँ उस पर बहुत गुस्सा होती है। उन्हें नहीं पता होता है कि डिन स्कूल बंक करके काम करता है। डिन की माँ कहती है तुम आज कॉलेज से इतने लेट कैसे आए हो। तभी वहां पर डिन का फ्रेंड आ जाता है, वो असाइनमेंट लेकर के आया होता है। वो सबके सामने डिन से कहता है कि टीचर ने तुम्हें बॉर्न किया है क्योंकि तुम 20 दिनों से कॉलेज नहीं गए हो। ये सुनकर के डिन की माँ समझ जाती है कि डिन काफी दिनों से स्कूल नहीं गया है। वो डिन पर बहुत गुस्सा होती है और उसे पीटने लगती है। वो डिन से कहती है कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। अब डिन अपनी मॉम पर गुस्सा होता है और पढ़ाई करने बैठ जाता है। वहीं हम 3 गुंडों को देखते हैं जो उसी जगह पर टी पॉट को ढूंढ रहे होते हैं। इसके बाद डिन रात में सूट पहन करके अपनी फेवरेट जगह पर जाता है जहाँ पर वो स्क्रीन पर लीना की फोटो देख रहा होता है और लीना इस समय बहुत बड़ी मॉडल बन चुकी होती है। डिन को डर होता है कि कल लीना से वो किस तरह से मिलेगा, इसलिए वो लीना की फोटो के साथ में रिहर्सल करने लगता है। तभी डिन का सूट फट जाता है जिससे कि वो उदास हो जाता है। अब डिन खुद से कहता है कि काश वो भी लीना की तरह अमीर होता। ये सुनते ही टीपॉट से एक बिस ड्रैगन बाहर आ जाता है जिसे देख करके डिन डर जाता है और इस ड्रैगन का नाम लॉन्ग होता है। लॉन्ग डिन से कहता है कि अब तुम मेरे आका हो, इसलिए तुम मुझसे अपनी 3 बिस मांग सकते हो। लेकिन डिन को अब भी यकीन नहीं होता है, उसे लग रहा होता है शायद कोई उसके साथ में प्रैंक कर रहा है। वो लॉन्ग से कहता है कि तुम इस टीपॉट में कैसे रह सकते हो, तुम तो बहुत बड़े हो। जिस पर लॉन्ग कहता है कि ये जादुई टीपॉट है और तुम ज्यादा बकवास मत करो क्योंकि मैं 1000 सालों से इसी के अंदर रहता हूँ और मैंने अब तक अपने 9 आकाओं का हुक्म माना है और तुम मेरे 10वें आका हो, इसलिए तुम जल्दी से अपनी बिस मांगो जिससे कि मैं आजाद हो जाऊंगा और स्वर्ग चला जाऊंगा। तभी वो तीनों विलन डिन को पॉट के साथ में देख लेते हैं। वो डिन के पास आकर के उससे पॉट मांगते हैं जिससे डिन समझ जाता है कि लॉन्ग सचमुच है। तभी डिन कहता है कि ये पॉट मेरा नहीं है, जिस पर लॉन्ग कहता है कि तुम मेरे आका हो और तुम्हारे सिवा मुझे और कोई नहीं देख सकता है। अब डिन पॉट को लेकर के भागने लगता है, लेकिन वो विलन भी उसके पीछे पड़ जाते हैं और डिन को एक जगह पर घेर लेते हैं। तभी डिन कहता है कि आई विश कि मैं एक फाइटर होता। तभी लॉन्ग डिन को एक कुंफू मास्टर बना देता है जिसके बाद में डिन उन विलन से लड़ने लगता है। तभी डिन गुंडों को चकमा दे करके अपने घर चला जाता है। वहीं वो गुंडे अपने बॉस के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। उनका बॉस और कोई नहीं लीना के फादर बैंग होते हैं क्योंकि उन्हें विश ड्रैगन के बारे में पता होता है। तभी गुंडे बैंग से पूछते हैं कि आपको टीपॉट क्यों चाहिए, जिस पर बैंग कहता है कि तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, तुम मुझे बस टीपॉट लाकर दो, इसके बदले में तुम्हें इतना पैसा दूंगा जितना कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। अगली सुबह जब डिन सोकर के उठता है तो उसे लग रहा होता है कि बिस ड्रैगन का ये एक सपना था। तभी डिन गलती से बर्तनों को गिरा देता है, लेकिन डिन बड़ी ही फुर्ती से उन्हें पकड़ लेता है और उसकी माँ को पता भी नहीं चलता। अब डिन को यकीन हो जाता है कि बिस पॉट असली में है। इसके बाद डिन की माँ अपने काम के लिए चली जाती है। इसके बाद डिन टी पॉट से लॉन्ग को बाहर निकाल लेता है। लॉन्ग डिन से कहता है कि अब तुम्हारी 2 इच्छाएं बची हैं, इसलिए जल्दी बता तुम्हें क्या चाहिए।
चाहिए, क्या तुम्हें सोना चांदी या पावर चाहिए, जिस पर डिन कहता है कि उसे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। इसके बाद डिन को याद आता है आज तो लीना का बर्थडे है। इसके बाद में डिन लॉन्ग को लेकर के डीना के घर की तरफ जाने लगता है, लेकिन बस में बहुत भीड़ होती है, इसलिए लॉन्ग डिन को टैक्सी से चलने को कहता है, लेकिन डिन के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। तभी लॉन्ग पास में खड़े एक आदमी से पैसे चुरा लेता है और डिन से कहता है कि ये लो पैसे और ये मैं जादू से लाया हूँ। अब डिन और लॉन्ग टैक्सी में बैठ कर के लीना के घर की तरफ निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है, इससे लॉन्ग परेशान होने लगता है। तभी लॉन्ग डिन को अपनी पीठ पर बिठा करके लीना के घर पहुँच जाता है। डिन लीना के बड़े से घर को देख करके हैरान रह जाता है। लॉन्ग को लग रहा होता है कि शायद डिन अच्छा सा घर चाहता है। तभी डिन लीना को देखता है, वो लॉन्ग से कहता है कि मुझे मेरी दोस्त चाहिए, जिस पर लॉन्ग कहता है कि मेरे कुछ नियम है दोस्त, मैं पास्ट में नहीं जा सकता और ना ही फ्यूचर में, और प्यार तो मैं बिल्कुल भी नहीं करा सकता, जिस पर डिन कहता है कि उसे प्यार नहीं करना है। अब लॉन्ग परेशान होने लगता है, उसे लग रहा होता है कि वो डिन की विश कभी पूरी नहीं कर पाएगा और शायद स्वर्ग भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि डिन बहुत ही भोला होता है। वो डिन से कहता है कि तो तुम्हें क्या चाहिए, जिस पर डिन कहता है कि उसे लीना की बर्थडे पार्टी में जाना है, इसलिए तुम मुझे एक दिन के लिए रिच बना दो, जिस पर लॉन्ग उस पर हंसने लगता है। वो डिन से कहता है कि तुम इतनी छोटी सी चीज मांग रहे हो, वो भी एक लड़की के लिए, जिस पर डिन कहता है कि जो भी है लेकिन मेरी यही विश है। इसके बाद में लॉन्ग डिन को एक अमीर प्रिंस बना देता है और एक अच्छी सी गाड़ी देता है और खुद डिन का ड्राइवर बन जाता है। अब डिन पार्टी में पहुंच जाता है, लेकिन लीना बहुत ही बिजी होती है, वो डिन को पहचान नहीं पाती। लीना के फादर पार्टी में नहीं आते इसलिए वो उदास हो जाती है। तभी डिन लीना को खुश करने के लिए लॉन्ग के साथ मिलकर के मैजिक दिखाने लगता है, लेकिन लीना उदास होकर के वहां से चली जाती है। जिसके बाद में डिन लीना के पास जाता है, जहां पर लीना रो रही होती है। डिन लीना से कहता है कि तुम क्यों रो रही हो। इस पर लीना कहती है कि आज मेरा बर्थडे है और मेरे डैड आज भी नहीं आए, वो हमेशा की तरह अपने काम में ही बिजी रहते हैं। अब लीना और डिन बातें करने लगते हैं, जिससे लीना को लगता है शायद वो डिन को जानती है। ये सब लॉन्ग छिप कर के देख रहा होता है। तभी वहाँ पर लीना का असिस्टेंट आता है, वो लीना को उसके डैड से वीडियो कॉल पर बात कराता है। लीना के डैड ने उसके लिए एक नेकलेस भेजा होता है, जिस पर लीना कहती है ये तो आपने पिछली बार भी दिया था, और वो उदास हो जाती है। इसके बाद में बैंक डिन से बात करता है, वो डिन के महंगे सूट बूट को देख करके समझ जाते हैं कि वो शायद बहुत ही अमीर है। वो डिन से पूछते हैं कि तुम्हारा बिजनेस क्या है, जिस पर डिन झूठ बोल देता है। वो बोलता है कि उसका रेस्टोरेंट का बिजनेस है। बैंक डिन को उसका नाम पूछते हैं, लेकिन डिन उन्हें अपना असली नाम नहीं बताता है, वो उन्हें अपना नाम डैन बताता है, जिससे कि लीना डिन को नहीं पहचान पाती। इसके बाद में बैंक डिन और लीना को डेट पर जाने के लिए कहता है, लीना इसके लिए मान जाती है। बैंक डिन और लीना के लिए एक महंगे से होटल की टिकट बुक कर देता है। अब लॉन्ग और डिन जब घर वापस जा रहे होते हैं, तब लॉन्ग डिन से कहता कि तुम्हारा और लीना का मिलन नहीं हो सकता, क्योंकि वो अमीर है और तुम बहुत ही फटीचर हो। इस पर डिन कहता है कि उसका और लीना का एक अनोखा रिश्ता है, जिसे पैसों से नहीं तोला जा सकता। जिस पर लॉन्ग कहता है कि जब लीना को तुम्हारी असलियत पता चलेगी तो वो तुम्हें छोड़ देगी। जिस पर डिन कहता है कि तुम इंसानी इमोशंस को नहीं जानते हो और तुम इतने सालों से इंसानों के साथ रह रहे हो, तुमने कुछ भी नहीं सीखा है। तभी डिन देखता है कि 10 बच्चों के उसकी माँ उसका वेट कर रही होंगी, इसलिए वो लॉन्ग को घर चलने के लिए कहता है। वहीं हम लीना के डैड बैंक को देखते हैं, जिनसे बैंक वाले पैसे मांग रहे होते हैं, क्योंकि बैंक ने कंपनी के लिए कर्ज लिया होता है और उसकी कंपनी बैंक करप्ट होने की कगार पर होती है, इसलिए वो टीपॉट को पाना चाहता है। वहीं डिन अपनी मॉम के पहुंचने से पहले ही घर पहुंच जाता है। डिन की मॉम डिन से कहती है, तुम कई दिनों से अजीब सा बिहेव कर रहे हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। जिस पर डिन कहता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में डिन की मॉम उसे सुबह का खाना गर्म करके देती है, लेकिन डिन नहीं खाता है। लॉन्ग ये सब देख रहा होता है, उसे समझ नहीं आता कि डिन इतना गरीब है, वो फिर भी अमीर होने की विश क्यों नहीं मांगता। अगले दिन डिन जब गाड़ी लेकर के लीना से मिलने जा रहा होता है, तभी वो गुंडे भी उसे देख लेते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि डिन के पास इतनी महंगी गाड़ी कैसी है, वो डिन का पीछा करने लगते हैं। वहीं डिन लीना को लेकर के होटल पहुंच जाता है, तभी वहां पर गुंडे आ जाते हैं, वो डिन पर अटैक कर देते हैं। तभी लीना डिन से कहती है कि वो लोग कौन है, जिस पर डिन कहता है कि ये लोग पैसों के लिए अमीरों का किडनैप करते हैं। अब गुंडे उनके पीछे पड़ जाते हैं, वो लीना और डिन को एक जगह पर जाकर के घेर लेते हैं, जिसके बाद में डिन लॉन्ग से मदद मांगता है, जिसके बाद में लॉन्ग एक ड्रैगन के पुतले में बदल जाता है, जिसके बाद में लीना और डिन ड्रैगन में छिप करके भागने लगते हैं, लेकिन गुंडे अब भी उनका पीछा कर रहे होते हैं। जिसके बाद में डिन और लीना एक बिल्डिंग की छत पर चले जाते हैं, गुंडे वहां भी आ जाते हैं, जिसके बाद में लॉन्ग लीना और डिन को हवा में उड़ा करके ले जाता है, जिससे सबको यही लगता है कि लीना और डिन हवा से उड़ रहे हैं। तभी गुंडे भी हवा में उड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नीचे गिर जाते हैं। अब लॉन्ग डिन और लीना को लेकर के चौल में आ जाता है।
तभी डिन फिर से नॉर्मल होने लगता है क्योंकि उसकी विश खत्म हो रही होती है। तभी डिन लीना को अपनी सच्चाई बता देता है। वो बता देता है कि वो डेन नहीं है, वो डिन है, लेकिन लीना को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो डिन को देख करके खुश होती है और वो 10 साल बाद चौल को देख रही होती है, इसलिए उसकी यादें ताजा होने लगती है। इसके बाद में लीना चौल के सभी लोगों से मिलती है, वो डिन की मॉम से मिलती है, वो उसे पहचान लेती है। वो समझ जाती है कि डिन लीना को लेकर ही इतने दिनों से परेशान था। अब लीना सबके साथ में इंजॉय करती है, लॉन्ग भी ये सब देख रहा होता है। इसके बाद में डिन लीना को अपनी फेवरेट जगह पर लेकर के जाता और उससे कहता है कि क्या वो उसके साथ डेट पर चलेगी। तभी लीना को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है, वो उसे फोटो सेशन के लिए बुला रहा होता है। इसके बाद में लीना डिन से कहती है कि उसकी जिंदगी अब बदल गई है, शायद वो डिन के साथ अब नहीं रह पाएगी। ये कहकर के लीना चली जाती है। इसके बाद डिन उदास होकर के घर वापस आ जाता है। उसकी माँ उससे कहती है कि अब तुम बच्चे नहीं हो, अब तुम्हें समझना चाहिए पैसे की क्या वैल्यू है। अब डिन गुस्से में आकर के लॉन्ग से अपनी आखिरी विश मांगता है। वो लॉन्ग से कहता है कि तुम मुझे सबसे अमीर बना दो जिससे कि हर कोई मेरे आगे झुकेगा। जिस पर लॉन्ग कहता है कि तुम्हें एक बार और सोचना चाहिए। तब डिन कहता है कि तुम तो हमेशा मुझे अमीर बनने का लालच देते थे, अब क्या हुआ। जिसके बाद में लॉन्ग डिन को अपने जादू से एक जगह पर लेकर के जाता है। वहीं हम बैंक को देखते हैं जो कि गुड्डों से बात कर रहा होता है। वो उसे बता रहे होते हैं कि जिस लड़के के पास में टी पॉट है वो आपकी बेटी के साथ में था। तभी वहां पर लीना आ जाती है। वो अपने डैड से कहती है कि आपने जिस लड़के के साथ मुझे भेजा था वो डिन था जो हमारे साथ में चौल में रहता था। इससे बैंक समझ जाता है कि टी पॉट डिन के पास है। वो अपने गुंडों को घर बुलाता है। बैंक लीना से कहता है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। इसके बाद में बैंक गुंडों के साथ में डिन को पकड़ने के लिए चला जाता है। लीना गुंडों को देख करके समझ जाती है कि वो गुंडे उसके डैड के साथ थी। वही लॉन्ग डिन को बता रहा होता है कि वो एक अमीर राजा था और उसने अमीर होने के लिए अपने प्रजा से बहुत काम कराया था और उसने अपनी बेटी का विवाह भी अच्छे से खानदान में किया था और उस समय वो सबसे अमीर राजा था। लेकिन जब वो मरने वाला था तब उसके पास में कोई नहीं था। इस मरने के बाद जब मैं स्वर्ग पहुंचा तब मेरे लिए स्वर्ग के दरवाजे नहीं खुले और देवताओं ने मुझे विश ड्रैगन बना दिया और मुझे अपने 10 आकाओं की सेवा करने को कहा जिससे कि मैं कुछ सीख सकूं। लेकिन मैं अपने पिछले 9 आकाओं से कुछ भी नहीं सीखा। लेकिन तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है कि पैसों से बढ़कर दोस्त और फैमिली होते हैं और डिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। वो डिन को वापस लेकर के आ जाता है। लॉन्ग डिन से कहता है कि तुम अपनी आखिरी विश सोच समझ करके मांगो। तभी वहां पर बैंग आ जाते हैं। वो डिन से टी पॉट मांगते हैं लेकिन डिन उन्हें मना कर देता है। तभी गुंडों का बॉस समझ जाता है कि वो पॉट जादुई है, इसलिए वो डिन से पॉट छीनने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन गलती से पॉट डिन के हाथों से गिर जाता है जिसे बैंग उठा लेता है। लेकिन विलन का बॉस बैंग से पॉट छीन लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। इसके बाद में वो आदमी लॉन्ग को पॉट से बाहर निकालता है और उससे अपना एक हाथ सोने का बनवा लेता है जिससे वो जिस चीज को भी छूता है वो सोने की बनने लगती है। अब वो आदमी पॉट को लेकर के वहां से चला जाता है। तभी वहां पर लीना आ जाती है। वो अपने डैड को देख करके रोने लगती है। वो उनसे कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। वहीं डिन पॉट को लेने के लिए गुंडों की गाड़ी पर कूद जाता है जिससे कि उनमें आपस में लड़ाई होने लगती है। तभी गाड़ी पानी में गिर जाती है। तभी वो आदमी और डिन पॉट को पकड़ लेते हैं जिससे कि लॉन्ग उन दोनों को ही बचा लेता है। अब जैसे ही पॉट विलन के हाथों में आता है तो डिन को लॉन्ग दिखाई देना बंद हो जाता है। तभी विलन डिन को सोने का बनाने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन लॉन्ग बीच में आ जाता है जिससे कि लॉन्ग सोने का बनने लगता है। तभी डिन विलन को धक्का दे देता है जिससे कि वो गलती से खुद को ही छू लेता है और सोने का बन जाता है और नीचे गिर करके मर जाता है। अब लॉन्ग भी सोने का बन जाता है और वो पानी में डूब जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है लेकिन डिन बच जाता है। अब लॉन्ग मरने के बाद स्वर्ग जाता है, उसके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल जाता है। इसके बाद में लॉन्ग गॉड से कहता है कि उसे अभी अपने दोस्त डिन की आखिरी विश पूरी करनी है। इस पर देवता कहते हैं कि तुमने अपने से ऊपर उठकर के दूसरों के बारे में सोचा है, इसलिए अभी तुम्हारे पास स्वर्ग जाने का मौका है। अगर तुम फिर से नीचे गए तो तुम्हें 1000 साल तक अपने 10 आकाओं की सेवा करनी होगी। लॉन्ग इसके लिए तैयार हो जाता है और वो वापस डिन के पास आ जाता है और वो डिन को आखिरी विश मांगने को कहता है। डिन लीना के फादर को ठीक करने के लिए आखिरी विश मांगता है जिसके बाद में लॉन्ग लीना के डैड को ठीक करके वहां से चला जाता है। अब डिन अपने घर आ जाता है। तभी वहां पर लीना और बैंक भी आ जाते हैं। बैंक डिन से माफी मांगता है। बैंक से कहता है कि मैं जानता हूं कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। अब सब मिलकर के डिनर करते हैं। अब डिन और लीना भी एक साथ होते हैं। बैंक को डिन की माँ के हाथ का सूप बहुत ही टेस्टी लगता है, इसलिए उन्हें एक आइडिया आता है और वो मिलकर के एक रेस्टोरेंट खोल देते हैं। अब सब मिलकर के बहुत ही अच्छे से काम कर रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं। लेकिन एक दिन जब डिन बर्तन लेने जाता है तभी वहां पर लॉन्ग जैसा ही टी पॉट मिलता है। वो उसे लेकर के बाहर आ जाता है। तभी पॉट से लॉन्ग बाहर आ जाता है। डिन लॉन्ग को देख करके हैरान रह जाता है। वो लॉन्ग से कहता है कि तुम्हें तो
स्वर्ग में होना चाहिए। इस पर लॉन्ग कहता है कि उसे स्वर्ग में अच्छा नहीं लगा और उसे तुम्हारी आखिरी विश भी तो पूरी करनी थी, इसलिए मैं वापस आ गया। डिन लॉन्ग को गले लगाकर कहता है तुम मेरे लिए वापस आए। इसके बाद में डिन टीपॉट को एक कबाड़ी वाले को दे देता है जिससे कि लॉन्ग अपने नए मालिक को ढूंढ सके, और वो कबाड़ी वाला और कोई नहीं वही गॉड होता है। और इसी के साथ में इस फिल्म का यहीं पर अंत होता है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।